जय हिंद साथियों, आज हम लोग सीटेट की एनसीईआरटी सीरीज में हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे। हिंदी शिक्षण में वो चीजें पढ़ेंगे जहां से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। एक ऐसी मैराथन क्लास होगी जिसके बाद आपको परीक्षा हॉल में जाने के बाद सभी प्रश्न आपको हूबहू मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन परीक्षा में देने जा रहे हैं, ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, दोनों मोड में आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ क्लास समाप्त होने के बाद जो सीटेट की प्रैक्टिस सेट है वो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। इसकी नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी और साथ ही साथ आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, वहां ऑफलाइन मोड में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट पेपर का, वही टेस्ट पेपर जैसा कि परीक्षा में आते हैं। तो चलिए आज की सीरीज आपके साथ शुरू करते हैं। आज की जो सीरीज होगी हिंदी शिक्षण की, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी सीरीज होगी और खासकर उस टॉपिक पर जहां से आपके परीक्षा में सवाल आता है। अगर आप सीटेट जूनियर, सीटेट प्राइमरी या अन्य किसी भी राज्य टेट दिया है आपने, या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, देशसवी की तैयारी कर रहे हैं, या आप शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीआरटी की, इन सभी में हिंदी शिक्षण के जो सवाल आते हैं वो यहां से पूरा कवर हो जाएगा। अगर हम बात करें सीटेट की तो यहां से 15 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और 15 नंबर में गद्यांश और पद्यांश होता है। इस मैराथन क्लास के बाद आपके 15 में से 14 प्रश्न आसानी से सही होंगे। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत और कर दिया, थोड़ा सा सदुपयोग का प्रयोग किया तो 15 की जगह 15 प्रश्न भी आपके पूरे के पूरे सही होंगे। लेकिन जैसे आप इस वीडियो में जुड़िएगा, सबसे पहला काम इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। आज की क्लास आपके जीवन की एक यादगार और एक महत्वपूर्ण क्लास होगी और एक ही वीडियो लेक्चर में हम ऐसी सीरीज आपको पढ़ा देंगे हिंदी शिक्षण का जो एनसीईआरटी पैटर्न पर है कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप शुरू करते हैं आज की रेज आपके साथ। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। गेस्ट के रूप में मैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको अपने बचे हुए समय से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं आप बेहतर करें इस देश के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। आइए देखते हैं, यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है क्या है। तो पहले अगर जो भाषा सीखा जाता है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, असमिया हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है पहले कैसे सीखा होगा आपने? पहले आपने सुना कि पापा, मम्मी, चाचा, चाची, फिर आपने बोला माँ, पा, छोटा बच्चा कैसे बोलता, फिर आपने पढ़ना सीखा, फिर आपने लिखना सीखा। तो माने लिखना आपने अंत में सीखा। ये परीक्षा में सवाल आते हैं, तो हिंदी शिक्षण में अगर यहां से सवाल आएंगे तो मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि एक भी प्रश्न आपके, एक भी सवाल यहां से गलत ना हो। तो ये आपका क्रम हो गया, काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आता है कि सुंदर लेखन के लिए, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, अगर आपको जो लेख अगर सुंदर लिखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे बढ़िया तरीका है अभ्यास, बार बार लिखा जाए, उसे हम श्रुतलेख के नाम से जानते हैं। चाहे आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो शुरुआत है, अभी तो आपको और बेहतर करना है। तो ये श्रुति लिखना, लेख जो बोलते हैं, जैसे हमने बोला कि आप लिखें, भाषा लिखने का मनोवैज्ञानिक क्रम है। बच्चा बार बार सुनकर देखकर जब लिखता है तो उसकी जो हैंडराइटिंग होती है उसमें सुधार होता है। अगला है कि जो प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, तो चित्र का वर्णन। जो प्राथमिक स्तर है, अगर हम इस स्तर की बात करें तो यहां पर 1-5 की बात कर रहा है। जो प्राथमिक स्तर है, जो प्राथमिक लेवल है, इस पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, माने लड़का कैसे बोलता है, तो उसके लिए है चित्र वर्णन। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे क, तो क को केवल क नहीं पढ़ाते, हम कहते हैं क से कबूतर। क्या कहते हैं? क से कबूतर। तो हम बच्चों क्या पढ़ाते हैं? क से कबूतर। ख से पढ़ाना होगा तो ख से क्या पढ़ाते हैं? खरगोश पढ़ाते हैं। अब जैसे ही बच्चा ख बोलता है उसके दिमाग में खरगोश बन जाता है। अगर बच्चे को ग पढ़ाना होता है तो ग से क्या कहते हैं? हम गमला कहते हैं। क्या कहते हैं? ग से अगर हम बात करें तो ग से क्या होगा? गमला। अब बच्चे के मन में गमला जाएगा। अगर ए से पढ़ाना है, ए क्या होगा? तो बच्चा कहेगा ए फॉर एप्पल। तो बच्चा यहां पर क्या करेगा? ए फॉर एप्पल। अब बताइए ए फॉर एप्पल, तो ए बी सी डी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? क्यों बच्चों को पहले ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, बी फॉर बॉल पढ़ाया जाता है? कारण इसका यही है कि जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसका जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो क्या है? चित्र का वर्णन। वो जैसे ही खरगोश देखता है तो उन्होंने कहता है ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, तो उसके दिमाग में एक चित्र बन जाता है। आज भी जैसे हम कहते हैं खरगोश, आपके दिमाग में चित्र बन जाता है। कबूतर, आपके दिमाग में चित्र बन जाता है। क्या क से कौवा नहीं पढ़ा आपने? तो यह जो है
प्राथमिक स्तर पर जो मौखिक अभिव्यक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ विधि है चित्र वर्णन। और याद रहे, जैसे ही किसी भी शब्द का आपने नाम लिया, आपके दिमाग में उसका चित्र बन गया, वो संज्ञा होती है। जैसे ताजमहल, मैंने ताजमहल कहा कि आपके दिमाग में ताजमहल का चित्र बना। हमने स्कूल कहा कि आपके दिमाग में स्कूल का चित्र बना, तो ये संज्ञा है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि क्या है। तो याद रहे, सबसे उपयुक्त विधि है चित्र का वर्णन करना। और चित्र के वर्णन के साथ साथ भाषा की अगर हम बात करें तो अनुकरण विधि, जबकि अनुकरण जो है दोहराना, याद करवाना एनसीईआरटी 2005 मना करता है, ये नकारात्मक है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं कि जो प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त विधि में अनुकरण विधि आती, जैसे आपने क से कबूतर कैसे पढ़ा था, क से कबूतर आपने कैसे पढ़ा था, बताइए कैसे पढ़ा था आपने क से कबूतर। तो पहली बार आपने कैसे कबूतर पढ़ने के लिए आपने सीखा था, बोला था, ये स से शर्मा कहां सीखा आपने, पहली बार भी बताओगे स से शर्मा, र से रिजवान, स से सौरभ। तो पहली बार आपने उनका नाम पढ़ा, नाम सुना, तब तो आपने सीखा, आप सीखे। आगे चलते हैं, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी। अगर हम बात करें यहां पर आपके लिए जितने इस वीडियो को देख रहे हैं कि उच्च प्राथमिक कक्षा अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या होगी, प्रबोधन, प्रवचन, विचार विमर्श, निर्देशन, ये सभी उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होगा, अर्थात हम कह सकते हैं जूनियर के लिए होगा। समझ में आई बात सभी लोग? अरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है, पैसे नहीं कटने वाले हैं, ठीक। आगे चलते हैं, कविता शिक्षा की सबसे विधि क्या है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर जैसे ही कहता है आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जैसे हम प्राथमिक स्तर कहते हैं तुरंत हमारे दिमाग में कक्षा 1 से लेकर 5 तक, किस लिए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, माने कविता शिक्षण के लिए गीत का, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांधने में उनके रस्सी, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, कद्दू जी की चली बरात हुई बतासों की बरसात। तो गीत करके अभिनय प्रणाली के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कविता शिक्षण किया जा सकता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि अगर हो प्राथमिक स्तर पर गीत, माने बच्चों को लयबद्ध पढ़ाते हैं कविता और बच्चा लय के साथ पढ़ते हैं। पढ़ा आपने बंदर जी की चली बरात, कद्दू जी की चली बरात हुई बतासों की बरसात, ठीक है। आगे चलते हैं, व्याकरण शिक्षण सरल एवं सुहाग्र विधि क्या है। तो अगर व्याकरण की देखा जाए सरल, तो कोई भी विधि अगर हम बात करें किसी भी शिक्षण की, तो जो सबसे सरल विधि होती है जिसका इस्तेमाल हम प्राथमिक कक्षाओं के लिए करते हैं, वह आपकी आगमन विधि ही होती है। और यह प्राथमिक कक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि यहां से अगर आप सीटेट की बात करें तो 15 नंबर आपके पके पके तैयार होंगे। और आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं, कह रहा है कि काव्य की आत्मा क्या है। तो काव्य की आत्मा रस है, यह व्याकरण का प्रश्न है। जो काव्य की आत्मा होती है यह रस होता है। आप जैसे दड़वीर चौकड़ी दर दड़ के मतलब चेतकरण वाला था, तो मैंने इसमें क्या होता, कौन सा रस है, वीर रस। तो अगर हम काव्य की आत्मा की बात करें तो रस है। अगर आपने यहां तक वीडियो को पूरा देख लिया है तो मेरा आपसे सवाल है कि रस कितने प्रकार के। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि रस कितने प्रकार के हैं, भरत मुनि के आधार पर कितने हैं, ऐसे कितने हैं। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, ये वीडियो फेसबुक पे, ये वीडियो यूट्यूब पर, जहां जहां चाहे लनी बी दुर्गेश की तरफ से आपको चल रहा होगा, सभी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। यह क्लास निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्रहित में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा की प्राथमिक रूप क्या है, तो याद रखिएगा यह प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, चाहे सीटर देने जाए, यूपीटेट देने जाए, सुपरटेट देने जाए, केबीएस, डीएसएस भी, सब में पूछा जाता है कि जो भाषा का प्राथमिक रूप होता है वो मातृभाषा होता है, मदर टंग होता है। रट लीजिएगा, एक नंबर हर साल आपके परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाता है। अब हम यहां पर बात करते हैं आपके साथ कि भैया प्राथमिक, अगर भाषा का जो प्राथमिक रूप है ये मातृभाषा में, जैसे अगर कोई भी शिक्षा देना है
तो हम मातृभाषा के आधार पर इसके साथ हम मानक भाषा पढ़ा सकते हैं, मानक भाषा। लेकिन पहली जो शिक्षण होगी वह आपकी मातृभाषा में ही होगी। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, आपको मेहनत करना है, हर हाल में सीटेट पार करना है, नौकरी लेनी है, तो पहली धार आपको यह पार करनी है। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। कुछ लोग पढ़ने की जगह डेट के लिए परेशान रहते हैं, सिलेक्शन के लिए पहले फोकस, कोई ये नहीं कहता मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेरा पूरा तैयार है। लोग ये पूछते हैं पेपर कहिया होगा, क्या पेपर होने की कोई तिथि है ये क्या? अरे पहले पढ़ने में फोकस करिए, वो आएगी तो सबको पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं आपका आएगा आपको पता नहीं चलेगा, अगर अभी पता चल जाएगा ऐसा है नहीं कि आप 150 में 150 अंक लेकर आएंगे, अगर एक घंटे बाद पता चलेगा तो 149 नंबर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो हमने देखा कि मातृभाषा, जिसे हम सब बोले थे कि यार तू लोग कहीं चक्कर परेशान है, पहले तैयारी कर, तैयारी अच्छी रहे तो खुद ही सिलेक्शन हो, परीक्षा आज हो काल हो परसों हो कहियो तो परीक्षा, ऐसा तो होने परीक्षा ना हुई, जब हुई अगर तैयारी बेहतर हो तो नंबर बढ़िया आए, आपका जो प्रदर्शन होगा काफी अच्छा होगा। तो मातृभाषा के साथ साथ हम बच्चों को मानक भाषा भी सिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये भी बात है आपके लिए, शायद आप ये बात समझ सकते हैं, तो समझिएगा कि जो भाषा का प्राथमिक रूप होगा वो मातृभाषा होगा, और मातृभाषा के साथ अगर आपको पढ़ाना है तो मानक भाषा का प्रयोग कर सकते, जैसे भी मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो सबसे पहले मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए। क्लियर हो इस कॉन्सेप्ट सबकी? या अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, जो भी हो आप पूछ सकते हैं। यार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ऐसी लेकर यूट्यूब पर मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं जो भाव विभक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या होता है। बोला जैसे मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचा रहा हूं, कैसे भाषा जो कि अभिव्यक्तिकरण का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, बोलकर हम अपने आप तक कैसे अपनी चीजें पहुंचा रहे, बोलकर ही पहुंचा रहे, आप इसे सुनकर देखकर पढ़ रहे हैं, उसके बाद सिलेक्शन भी लेकर आएंगे। मैंने अपने दो काम किया, सुना देखा, और कुछ लोग लिख रहे होंगे, कुछ लोग स्क्रीनशॉट मार रहे होंगे, तो इस माध्यम से कहीं ना कहीं ये सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा, बोलना। ठीक, आगे हम बात करते हैं शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसे कहते हैं प्रत्यय। शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, शब्द और शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले को उपसर्ग कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये खासकर आपका जब पैसे जाते हैं उसमें पूछे जाते हैं, व्याकरण में पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो आप जरा उदाहरण दीजिए कोई प्रत्यय और उपसर्ग का, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम 5-5 उदाहरण आपको देने हैं प्रत्यय और उपसर्ग के। आगे हम बात करते हैं, कह रहा है कि खंडानेव विधि किसे कहते हैं, तो प्रश्नोत्तरी विधि को खंडानेव विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं देखो और कहो विधि में सबसे शब्दों का परिचय कराया जाता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जरा इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख ले, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के करीब पहुंच रहे हैं, नजदीक पहुंच रहे हैं भैया। ठीक है कि नहीं पहुंच रहे हैं? हम बार बार कह रहे हैं आप लोग चीजों को पढ़ने पे ध्यान दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यही चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। रट लीजिएगा, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। अब एक सवाल है मेरा कि देवनागरी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है, एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है। मैं कुछ लिपियां पूछना चाहूंगा कि अंग्रेजी की लिपि क्या है, मैं सौरभ से पूछना चाहूंगा कि अंग्रेजी की लिपि क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मराठी की लिपि क्या है, पंजाबी की लिपि क्या है, ये परीक्षा वाले सवाल है आपके लिए, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमार। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। सबको समझ में आ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? चलिए आगे देखते हैं, साचर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा खेल खेल में दी जाती है। जो साचर विधि है भाषा की शुरुआत में खेल खेल में दी जाती है। उर्दू की लिपि क्या है, रिजवान जरा बताएं उर्दू की लिपि क्या है, बताइए।
पंजाबी गुरुमुखी हो गई, उर्दू किधर से किधर लिखी जाती है और इसकी लिपि क्या है बताइए आप लोग। देखिए यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे तो गलती आप करेंगे। हम आगे बात करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहला काम शेयर करिएगा। सर्वप्रथम छात्रों को शिक्षा शुद्ध उच्चारण की देनी चाहिए। याद रहे उच्चारण में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत। अगर पूछा जाए हिंदी भाषा की आदिमाता कौन है तो संस्कृत है। हिंदी माई के बा संस्कृत बा, बाऊ के बा संस्कृत बा, चाहे हिंदी के संस्कृत माई पूछे, बाऊ पूछे, दादी पूछे, दादा पूछे, क्यों पूछे, संस्कृत बा। ठीक बा, आगे चले। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या और सबसे अंत चरण क्या होता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके परीक्षा के लिए। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो आखिरी चरण होता है वो क्या है? वो मूल्यांकन है। क्या है? मूल्यांकन है। आप लोग की संख्या बहुत कम है यार, ऐसी सीरीज आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। मूल्यांकन है। अच्छा, कक्षा अध्यापक के सिद्धांत सूत्रों का सर्वप्रथम संग्रह करने वाले कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर थे। कक्षा अध्यापक के सिद्धांत सूत्रों का सर्वप्रथम संग्रह करने वाले हर्बर्ट स्पेंसर थे। ये एक नंबर में पूछा जाता है, ये रट लीजिएगा। ये नोट्स आपको इलेनी दुर्गेश के ऐप पर मिलेगा। अगर घर बैठे प्राप्त करना चाहते वो भी आपको मिल जाएगा। शिक्षण के सर्वप्रथम उच्चारण पर बल देना चाहिए। और आपको भी पता होगा कि शिक्षण पे के लिए सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया जाता है? उच्चारण पे। क ख ग घ ङ, तो इस पर उच्चारण पर अ आ इ ई उ ओ, तो जो उच्चारण पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए। क्या आपको समझ में आ गया? जितने भी वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं सबको समझ में आ रहा है चीजें? अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अगर हर्बर्ट स्पेंसर की जो भाषा शिक्षण सूत्र है ये सात प्रकार से है। इन सातों का जिक्र हम करेंगे आपके साथ। आप लोग देखिए नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह क्लास आपको जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मिलना है लाइव। अब यहां पे ध्यान से देखना है, हर्बर्ट स्पेंसर की जो भाषा शिक्षण सूत्र है वो क्या क्या है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, या फिर ध्यान से देखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर हिंदी पढ़ना शुरू किया तो जो जैसे पता है, अगर यहां पे लिखा है कमल तो पहले आपने कमल पढ़ा था, क ख ग, तो कमल कमल पढ़ लिया, माने ज्ञात से अज्ञात की तरह क पता था, म पता था, ल पता था, कमल नहीं पता था, आप कमल तक पहुंच गए। सरल से जटिल की तरफ जाते हैं। हम कैसे बढ़ते हैं? सरल से जटिल की तरफ जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की भाषा शिक्षण सूत्र है ये, जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं आपके। विशेष से सामान्य की ओर, अब हम विशेष जो आपने पढ़ा है उससे किधर की तरफ चलेंगे? सामान्य की तरफ बढ़ेंगे। विश्लेषण से संश्लेषण विधि की तरफ बढ़ेंगे। यह भी आपको शिक्षण विधि में पढ़ाया जाएगा, गण शिक्षण में पढ़ाया जाएगा, सीडीपी शिक्षण पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण शिक्षण पढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ जो जूनियर में है एसएसटी पेडागॉजी जो है उसमें भी पढ़ाया जाएगा, साइंस पेडागॉजी में पढ़ाया, सभी के अलग अलग शिक्षण है उनमें भी अलग अलग चीजें पढ़ाई जाएंगी। और सौरभ जी का धन्यवाद जो आपके नोट्स आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर, जैसे कोई कह देगा ये कमल नहीं लिखा है, ये कम लिखा है, तो हम क्या करेंगे? नहीं यार, ये क्या लिखा है, ये कमल ही लिखा है। कैसे? क धन म धन ल बराबर कमल। तो अब हम क्या करेंगे? अनुभव से तर्क की तरफ बढ़ेंगे, आगमन से निगमन की तरफ बढ़ेंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा? क से कबूतर। क्या पढ़ा? क से कबूतर, माने हमने कबूतर चित्र देखा। किसी किताब की शुरुआत में क्या आपने खाली क ख देखा था? नहीं, आपने क से कमल पढ़ा, ए फॉर एप्पल पढ़ा। तो ये क्या है? ये मूर्त है। जैसे मैंने कहा सौरभ, चित्र दिमाग में बन गया। कहीं देखते शादी को समारोह में, कहते हाँ यही सौरभ सर है क्या? तो कैसे आपके दिमाग में चित्र बना? उन्हें फेसबुक पे देखा, उनके इंस्टाग्राम पे देखा आपने, आपको चित्र उनका बन गया। तो ये मूर्त है। और बाद में किसी से बात होती है, अरे नहीं नहीं बहुत अच्छे लड़के हैं, वही नोट्स पहुंचाते हैं, हम लोग तो पहुंचाते हैं, ऐप में मिलता है, गोलू फोन उठा लेते हैं, मुन्ना ऑफलाइन मिल जाते हैं, तो कैसे पता चला? ये हमें मिलता है, ये मूर्त से अमूर्त, यही शिक्षण विधि है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था ये, माने जैसे
हमने बताया बचपन में हमने पढ़ा था तीन धन दो क्या, तो एक दो तीन प्लस एक दो क्या पढ़ा था, एक दो तीन चार पांच। आज हम कहते हैं तीन प्लस दो माने पांच। अब हम पूछेंगे तीन में दो जुड़े क्या होगा, पांच। माने जो गणित शिक्षण होती है पहले हम मूर्त वस्तु दिखाते हैं, वस्तु हटा लेते हैं, ज्ञान आपके पास शेष बचता है। यही बात हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा था भाषा शिक्षण सूत्र में, ये मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाता है। कितने लोगों को समझ में आज इतने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए, सिर्फ जरा फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये हर्बर्ट स्पेंसर की भाषा शिक्षण सूत्र है। ये मत कहिएगा यागमन विधि का है, निगमन का है, कि संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि है। अगर आपको, अगर मुझे लग रहा है मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, चीजों को अच्छा समझा रहा हूं, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मुझे इसके पैसे नहीं मिलेंगे ना आपको भी मिलेंगे, लेकिन किसी की मदद करिएगा। यकीन मानिए ऊपर वाला आपकी मदद परीक्षा में जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। ये सात तो समझ में आ गए, परीक्षा में बस यही पूछा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर की भाषा शिक्षण में कितने सूत्र हैं, तो याद रखिएगा कितने सूत्र हैं, तो सात सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं, सात सूत्र हैं। ठीक है, ठीक, हम आगे बात करेंगे आगमन क्या है, निगमन क्या है, विश्लेषण क्या है, संश्लेषण क्या है, ये आगे की बात है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, पहले भी तो अपने हिंदी शिक्षण की तरफ तो बढ़ लें। आइए ध्यान से देखते हैं कि यहां पे टॉपिक है कि मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं मूल्यांकन। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, जैसे मान लीजिए आप कल को सरकारी शिक्षक या अध्यापक या अध्यापक बन गए, मान लीजिए जैसे ध्यान से देखिएगा, सौरभ सर यहां पर एक शिक्षक बन गए, सरकारी शिक्षक बन गए। अब इनकी ड्यूटी कर्नाटक में लग गई, कहां पे, ये मान लीजिए नवोदय विद्यालय हुआ या इनका केवीएस हो गया, ये कर्नाटक में चले गए। अब यहां पर इनके जो बच्चे आएंगे उन्हें किस भाषा में शिक्षा देंगे, अगर ये हिंदी में पढ़ाएंगे क्या वो बच्चे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। उनको पढ़ाने के लिए कन्नड़ व्यक्ति ही चाहिए, क्योंकि वो वही भाषा सीख कराएंगे, क्योंकि बच्चों की पहली पाठशाला उनकी माता होती है, दूसरी उनका परिवेश, फिर विद्यालय की तरफ बढ़ते हैं, और बच्चा हिंदी भाषा जानता है हिंदी के लिए चाहिए, उर्दू जानता है उर्दू, बंगाली जानता है बंगाली, कन्नड़ जानता है कन्नड़, असमिया जानता है असमिया। तो इसके लिए बातें जरूरी है कि मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, उसके साथ साथ हम मानक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। रख लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, तो हमने क्या देखा, किसी भी कार्य को प्रारंभ भली पूर्व करने भली भांति करके उसे पर जो कार्य समाप्त कर साल मां लगाया जाता है, उस कार्य को उद्देश्य कहलाते हैं। अब देखिए उद्देश्य क्या होता है, आपने पढ़ लिया एक शुभ ऐसे अंतिम, मतलब यहां पर सीधा मैंने बताया भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैं अपनी बातें आप तक कैसे पहुंचाता हूं, भाषा के माध्यम से पहुंचाता हूं। अगर पूछा जाए कि भाषा कैसे कैसे है, तो आप कैसे प्रकट करेंगे, या तो बोलकर जैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे कैसे, जैसे हम सौरभ का नाम लेते हैं, सौरभ क्या करते हैं, भाषा अभिव्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए एक तो हो गया बोलकर, फिर लिखकर। अभी देखिए सौरभ सर ने कैसे कहा कि भैया हमारा नाम कैसे ले रहे हैं, वो कौन सी भाषा होगी, वो सांकेतिक हो गई। कैसे हो गई, सांकेतिक भाषा हो गई। तो इस सौरभ सर की कौन सी भाषा हो गई, अब सांकेतिक हो गई। तो हमने यहां पे देखा कि भाषा क्या, रूप कितने हो गए, तीन। बोलकर मैं बोल रहा हूं, तभी तो आप तक पहुंच रहा है, भैया आपको सरकारी शिक्षक बनना है, ठीक है, तो कैसे पहुंचा, तो मैंने बोला आप तक पहुंचा, तो भाषा मैंने बोलकर लिखकर। सौरभ सर ने कहा तो हमारा नाम क्यों ले रहे हैं भैया, हम तो बस नोट्स बनाकर आप तक पहुंचाते हैं ना, ठीक है, तो ये कौन सा माध्यम हुआ, ये सांकेतिक माध्यम हो गया। मैंने भाषा तीन तरह से आप तक पहुंचाई जा सकती है, तीनों हमने बता दिया। ठीक, आगे बात करते हैं हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। हिंदी शिक्षण के ये सामान्य उद्देश्य क्या है, आइए उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिंदी शिक्षण के समान उद्देश्य क्या है, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसकी पीडीएफ नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी, अन्य जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और अभी अपने दुर्गे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े होंगे टेलीग्राम पर जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, ये एनसीईआरटी नोट्स है, पूरी एनसीईआरटी।
ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या, ये बात करते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य माने इसका मतलब है कि बच्चों को भाषा एवं साहित्य की बातों का ज्ञान देना। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा छात्रों कैसे सिखाया जाता है भाषा, और उसमें कविता होती है, कहानी होती है, साहित्य की बातें होती है, ज्ञान की बातें होती हैं, भगवान राम का जिक्र होता है, गुरु नानक का जिक्र होता है, बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र होता है, ईसा मसीह का जिक्र होता है, हजरत मोहम्मद साहब का जिक्र होता है। आपने देखा होगा उन किताबों में, भाषा की किताबों में इन सभी का होता है। भगत सिंह का होगा, महात्मा गांधी का होगा, सुभाष चंद्र बोस का होगा, नेहरू जी का होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने आपने देखा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों को भाषा साहित्य की बातों का ज्ञान देना होता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं तो कमेंट में वाई लिखेगा, अगर नहीं समझ में आ रही यन लिखेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको हर हाल में अभी की बात सीटेट पार कराना है। भले वीडियो को ना शेयर करें, समझ में आ गया। अब हम और आगे बात करते हैं, ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान देना है। मैं ध्वनि से ही वाक्य रचना बना, जैसे मैंने कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भगवान राम, गुरु नानक, तो ईसा मसीह जी, तो कैसे आप तक पहुंचा, महात्मा बुद्ध, तो ये चीजें कैसे, मैंने ध्वनि से शब्द वाक्य रचना का बढ़ा और अब तक पहुंचा, ठीक। और आगे देखते हैं हम उच्च माध्यमिक स्तर पर, अगर उच्च माध्यमिक स्तर पर जाएंगे तो कहते हैं गाय पर निबंध लिखो। सुना है आपने, बचपन में पढ़ा होगा, सबसे फेवरेट निबंध, गाय पर निबंध लिखो, अपने मित्र पर निबंध लिखो, मित्र कैसा हो, मेला पे लिखो, तो निबंध लिखने के लिए कहते हैं। सबसे ज्यादा गाय पे निबंध लिखने का आता है, कुत्ते पे निबंध लिखने का आता है, गधे पे निबंध लिखने का आता है, गधा पे, हाथी पे, मेरे परिवार पे, मेरे दोस्त पर, ठीक है। तो इस तरह के निबंध उच्च माध्यमिक स्तर पर जो ज्ञानात्मक जो उद्देश्य होता है वो यहां से आता है, कहानी के माध्यम से, कहानियां सुनाया जाता है, कहानी के साथ साथ अगला क्या होगा, नाटक करके, नाटक आपने भी देखा होगा, प्राय 15 अगस्त, 26 जनवरी या अन्य कभी अन्य महत्वपूर्ण जगह पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं कि काव्य गीत, काव्य गीत का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे गुरु गोबिंद दो खड़े, तो ये काव्य गीत कहा, ये हिंदी भाषा शिक्षण पर मिलेगा, ठीक है। अभी किसी ने कहा डाकिया पर निबंध आया था, तो पता नहीं, आप बताइए कमेंट करके आपको किसका निबंध आज तक याद है। अब रचना कार्य मौखिक एवं लिखित रूपों में ज्ञान, मौखिक रूप में बच्चे टिंकल टिंकल रजिस्टर याद करते हैं। अब हाथी को गिनती सिखाएंगे, पूल हाथी एक, तो ये क्या होता है, ये मौखिक और लिखित रूप में ज्ञान देना। बोलते हैं बच्चा लिख कर दिखाता है, जैसे क्या है कि अगर आप इलेवन विद दुर्गेश के ऐप पर जाते हैं या नोट्स लेते हैं तो लिखित मिल गया, सुनना है तो भैया देख के सुन लीजिए, मौखिक भी पढ़ा रहा हूं सुन लीजिए, अगर आपको पूरा कंप्लीट नोट चाहिए तो आपने घर बैठे प्राप्त कर लिया, या ऐप से प्राप्त कर लिया, या इलेवन विद दुर्गेश फेसबुक पेज से प्राप्त कर लिया, या इंस्टाग्राम से प्राप्त कर लिया, तो ये चीजें कैसे हुई, यही संपन्न हुई। तो ये था हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपकी संख्या बहुत कम है यार, ऐसा काहे कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाने में कोई कमी हो तो बताइए, डेली क्लास आपकी होगी सीट में। आगे हम बात करते हैं कौशलात्मक उद्देश्य, ये काफी यूनिक है, इन उद्देश्यों का संबंध भाषा के कौशल से है। कौशल का मतलब सीधी सी बात है, कौशल का मतलब क्या है, देखिए नोट्स के देखिए इस नंबर पर करिए मैसेज, और या तो इस पर करिए, ये सभी जौनपुर से हैं। हम बात करते हैं टॉपिक पे, देखिए अब हमने यहां पर ये देखा कि जो कौशल का मतलब है कि जैसे कोई चीज में अपनी भूमिका अदा करना, अपनी भूमिका कैसे, जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, अर्थ ग्रहण करना आदि। अर्थ ग्रहण करने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा आप लोग वीडियो को लाइक करिए तो आपको समझ में आ गया, अंगूठा दबाना है, मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपने जो ललका वाला है उसको क्लिक किया, मैंने मैंने बोला
आपने सुना और आपने अर्थ ग्रहण किया, अच्छा सर कहने का मतलब यह है कि अंगूठा का बटन दबाना है। तो ये क्या हो गया, ये कौशलात्मक उद्देश्य हो गया। ये कौन सा उद्देश्य हो गया, ये कौशलात्मक उद्देश्य हो गया। इसे पढ़ना भी है, मैंने यहां पे लिख दिया। इसे कुछ लोग कह रहे हैं सर नोट्स कैसे मिलेगा, तो मैंने लिख दिया कि नोट्स कैसे मिलेगा। तो ये कैसा हो गया, मैंने आपने पढ़ लिया, मैंने लिखा आपने पढ़ लिया, मैंने बोला सुन लिया, आपने अर्थ भी ग्रहण कर लिया। अच्छा अगर आप मुझे नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी नोट्स चाहिए तो मुझे यहां से मिल जाएगा, अगर मुझे एनसीईआरटी की नोट्स चाहिए तो यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें कहां से पता चली, यहीं से पता चली। अब कैसे, सुनकर आपने अर्थ ग्रहण किया, कैसे कैसे, आपने सुना और सुनकर अर्थ ग्रहण कर लिया। दूसरा, शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना। अगर मैं शुद्ध नहीं बोलूंगा तो आप शुद्ध समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो कोई कौशल उद्देश्य नहीं होगा। अगर इसी नोट्स में साफ साफ ना लिखा होता तो फिर क्यों लेते, क्यों परीक्षा से पहले लेने विद्रोह इस नोट्स पढ़ते हैं, इसीलिए, क्योंकि शुद्ध और अस्पष्ट होता है। गद्य पद क्या होते हैं, अगर हम सीटेट की बात करें तो गद्य और पद प्रोज और पोट्री से मिलाकर 15 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न, 15 प्रश्न आते हैं। और यह पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, और वही गद्य पढ़ने के बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्य से 9 प्रश्न आते हैं और पद से 6 प्रश्न आते हैं, कुल मिलाकर 15 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो यह बहुत बड़ी चीजें हैं, ठीक। यह वीडियो रहेगा, जितनी बार चाहे वीडियो को देखें, ठीक है। आप लोग चीजों को समझिए, वीडियो को समझिए, क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेना है आपको, और परीक्षा हाल के अंदर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। देखिए अब की बार सीटेट पर हम आगे चले गए प्रश्न की तरफ, मतलब अगले टॉपिक की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अगर आपको जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने वीडियो को शेयर किया नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला है इसमें टॉपिक कौशलात्मक शिक्षण विधियां में। देखिए तो क्या था, बोलकर भाव व्यक्त करना। जैसे भी किसी ने कहा बोल, मैंने क्या कहा कि ठीक है आप वीडियो को जितनी बार चाहे देख सकते हैं, ये इलर्निंग विद दुर्गेश की ऐप पर आपको हमेशा मिलेगा, ठीक। अब ये मैं लिखकर भी किसी ने बताया कि सर वीडियो को प्राइवेट ना करिएगा, उन्होंने लिखकर अपनी भाव व्यक्ति व्यक्त की। सौरभ ने कहा कि सर ये क्लास लाइव है, उन्होंने बोल दिया। फिर आपने लिखकर बताया, अरे नहीं नहीं सर प्राइवेट मत करिएगा, बहुत अच्छी क्लास है, सीटेट के लिए रामबाण है, क्योंकि आपको शिक्षण पढ़ना है, केबीएस के लिए रामबाण है, डीएसएसबी के लिए रामबाण है, सुपर टेट के लिए रामबाण है। क्यों, क्योंकि शिक्षण कहां यूट्यूब पर मिल रहा है, सब वही पुराने प्रश्न का ही उत्तर करा रहे हैं मैराथन क्लास कह के। तो ये कैसे आपने जाना, यहां पे जाना। अब हम आगे चलते हैं, व्यवहारगत परिवर्तन की बात करते हैं। ये व्यवहारगत परिवर्तन क्या है, ठीक है। अब व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में जानते हैं आप सभी के साथ मिलकर। देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, व्यवहारगत में छात्र धैर्य पूर्वक सुन सकेगा, सुनने के शिष्टाचार का पालन करेगा। जब व्यवहारगत का मतलब क्या है, मैं अगर पढ़ाऊं, लोग कहते सर ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि भैया मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं, तो कैसे, जब आप पूरा सुनेंगे आप कुछ सेकंड किसी का मूल्यांकन कर लेंगे क्या, नहीं नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए धैर्यवान होना चाहिए, सुनने के शिष्टाचार होना चाहिए। चमन टाइप के भी लोग आ जाते हैं, जैसे जिनको कोई काम नहीं है, जैसे जिसे अपने ठल्ले कहते हैं, घर के लोग कहते हैं अरे यार ये तो कहां से हमारे कुल में पैदा हो गया, जिनके माँ बाप उनको पैदा करने बाद उनको कहते हैं यार कहां से आ गया मेरे नाम को कलंक करने के लिए। तो ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन यह व्यवहार ही शिक्षण जिनको बाहर करना है। तो यहां पर हमें छात्र धैर्य पर सुनेगा और सुनने का शिष्टाचार का पालन करेगा और फिर जाके सिलेक्शन देगा। मैं अगर पढ़ाऊंगा वो सुनेगा समझेगा तभी तो परीक्षा में स्कोर करेगा। क्या आपकी तरह सभी लोग हैं शिष्टाचार, बताइए। तो आगे हम लोग बात करेंगे, से अपराधी किस्म के बालक होते हैं, छमन टाइप के बालक होते हैं, उनकी जिक्र बाद में करेंगे। वो टाइम पास करते उनके मां बाप शर्म करते हैं कहां से पैदा हो गए, और कभी कभी क्लास में भी आपकी एंट्री कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शब्द मुहावरा उक्तियों का प्रसंग जो प्रसंगानुकूलन अर्थ वो भाव समझ सकेगा। मतलब जैसे मैंने कोई सी चीज का शब्द का प्रयोग किया, मैंने मुहावरे का प्रयोग किया, मैंने यहां की उक्तियों का प्रयोग किया कि कर भला तो हो भला, वीडियो को शेयर करिए। अब आपने क्या कहते समझा कि कर भला मैंने मैं वीडियो शेयर करूंगा, लोग देखेंगे तो अगर वो पास हो जाएंगे उनके अंतरात्मा से मुझे कहीं ना कहीं ऊपर वाला देखेगा और आशीर्वाद मिलेगा। कर भला तो हो भला, अब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया,
तो ये हमने क्या किया, शब्दों से आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसमें क्या होगा, स्वराघात बलाघात स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार बच्चा अर्थ ग्रहण कर सकेगा। जैसे दरबीर चौकड़ी दर दर के चेतकरण वाला था, तो ये क्या किया, अब हमने क्या किया, स्वर का इस्तेमाल किया। अब उसको लग रहा अच्छा ये वीर रस उसके अंदर अपने आप आ जाएगा। कभी कभी होता है गाने होते पहले खूब म्यूजिक बजता है फिर गाना बजता है, तो इससे भी बच्चा क्या करता है, उतार चढ़ाव जो होता है कविता का वो भी आपके लिए माने रखता है। लय सुर ताल इनका भी प्रयोग होता है आपके लिए। जैसे अब हाथी को गिनती सिखाएंगे, अरे बोल हाथी ए, बच्चे कहेंगे अरे बोल हाथी ए, तुझे मिलेगा के, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, अरे बोल हाथी दो, बोल हाथी दो, तुम जोर जोर से रो, थोड़ा तुम रोगे थोड़ा हम रोएंगे। तो ये क्या हुआ, ये जो स्वराघात है बलाघात है माने ये उतार चढ़ाव, ये कहां पे होगा, ये आपको कविता में होता है, ये कहानी में भी होता है। जैसे एक समय की बात है, एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाता है, अचानक उसे प्यास लगती है, दूर जंगल में निकल जाता है, धीरे धीरे घर अंधेरा छाने लगता है और धीरे धीरे उसके सैनिक पानी की तरह से बिछड़ जाते हैं। राजा अकेला घोड़े से जा रहा था, अचानक शेर की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, राजा डर सा जाता है, अचानक तेज सी बिजली कड़कती है, बारिश होने लगता है, राजा भयभीत हो जाता है। अचानक उसकी आंख के सामने एक बड़ा सा जानवर दिखता है, उसकी आंखें लाल लाल मूछें बड़ी बड़ी। तो बच्चा क्या होगा, इसमें उतार चढ़ाव आएगा, स्वराघात होगा, तो बच्चा क्या करेगा, ध्यान सुनेगा और उस कहानी में अपने आप को महसूस करेगा। क्या करेगा, अपनी कहानी में बच्चा क्या करेगा, महसूस करेगा। और वह आगे हम बात करेंगे कहानी शिक्षण क्या है, कविता शिक्षण क्या है, क्योंकि एक ही दिन में तो सब नहीं सीख पाएंगे ना। तो ये स्वराघात हो गया, बलाघात हो गया, स्वर के उतार चढ़ाव हो गए, ये व्यवहारगत परिवर्तन है खासकर शिक्षण के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग, ये भी आपका हो गया। महत्वपूर्ण विचारों, जैसे महत्वपूर्ण विचारों, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, ये हमने बताया, कलाम जी ने बताया, सपने वे नहीं पूरे होते जो आदमी सोने के बाद दिखता है, सपने वो पूरे होते हैं जिसके लिए व्यक्ति सोना छोड़ दे। तो ये विचार भाव तथ्य इसका भी क्या कर सकेगा, बच्चा चयन कर सकेगा, अभिव्यक्त के ढंग को समझ सकेगा। अभिव्यक्त मतलब मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाऊं, आप अपनी बातें आयोग तक पहुंचाएं परीक्षा के माध्यम से, और वह हो गया आपका अभिव्यक्ति। सीधी सी बात है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, यही अभिव्यक्ति हो गया। ये क्या है, यही अभिव्यक्ति है आपकी। सबको समझ में आ रहा है, जितने इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछे, वीडियो को शेयर करिए भैया, कितनी बार कहें, अगर पढ़ाने में कोई कमी हो तो बताइए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते खेत नहीं। आगे हम बात करते हैं आपके सामने, देखिए फिर कह रहा है कि भावों विचारों तथ्यों का मूल्यांकन कर सकेगा। जैसे अगर बच्चा पढ़ेगा सीखेगा समझेगा तभी तो भाव विचार तथ्य का मूल्यांकन कर सकेगा, कि बिना पढ़े कर पाएगा, करेगा तभी तो। अगली हेडिंग आपके पास है, तीसरी रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य। इन उद्देश्यों में दो उद्देश्य आते, एक साहित्य का रसस्वादन और साहित्य की समान समालोचना। इन उद्देश्यों के संबंध उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में होते हैं, इनका जिक्र प्राथमिक कक्षाओं में नहीं है। क्या यहां तक समझ में आ गया आपको, अगर आ गया हो तो हम थोड़ा सा पानी पी ले और आप लोग वीडियो को शेयर कर ले, थोड़ा हम पानी पिए थोड़ा आप पानी पिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब है सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य के बारे में क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। माने सृजनात्मकता का उद्देश्य क्या है, माने आपको उस योग्य बनाना जो आपके माता पिता चाहते हैं, आपके अंदर वो भाव उत्पन्न कर देना ताकि आप परीक्षा हाल में सिलेक्शन लेकर आए, और यही आपका सृजनात्मकता उद्देश्य होता है। यही मेरा उद्देश्य है, यही आपके माँ बाप का उद्देश्य है, यही आपके अभिभावक का उद्देश्य है, यही आपके सहपाठी का उद्देश्य है। माने सृजनात्मकता का उद्देश्य का मतलब है छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, उन्हें रचना में मौलिकता लाने की योग्यता का विकास करने के लिए प्रेरित करना।
इस काम करने के लिए निबंध, कहानी, संवाद, पत्र, उपन्यास, कविता, किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। माने बच्चे को सृजनात्मक बनाना है, उन्हें उनके अंदर के कौशल को जगाना है, उन्हें बताना है कि आप कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। भले आप शिक्षक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, लेकिन आप भी कर सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। आपकी संख्या इतनी कम होती जा रही है, आप वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अब आते हैं व्यवहारगत परिवर्तन। अगर व्यवहारगत परिवर्तन की बात करें, छात्र विषय उसके अंतर्गत भावों विचारों के लिए उपयुक्त साहित्य की विधा का चयन कर सकेगा, वह स्वानुभूत भाव विचारों अभिव्यक्ति कर सकेगा, वह ग्रहित स्वानुभूत भाव विचारों के अपने ढंग से अभिव्यक्त कर सकेगा, वह विषय प्रसंग के अनुकूल भाषा और शैली का उपयोग कर सकेगा। ये काफी ये व्यवहारगत परिवर्तन है, इसका जिक्र हमने ऊपर भी कर दिया था। अगर आपने उस तथ्य को पढ़ा होगा, उस तथ्य को समझा होगा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके अपने आप क्रमवार रूप से समझ में आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके एक और वीडियो लेक्चर की तरफ, एक और सीरीज की तरफ। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल तो नहीं है ना? आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, आप तो कहिए हाँ जानते हैं। शब्द भंडार वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण उत्तम है। शब्द भंडार के लिए मतलब क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, चाहे हिंदी पढ़िए, पेपर पढ़िए, तो अगर वो शब्द आपके दिमाग से गुजरा है तुरंत, जैसे मैंने क्या पढ़ा, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण उत्तम है। अगर मैं शिक्षण शब्द कभी ना पढ़ा होता, पहली बार आता, पता कैसे पढ़ते, स समय छोटी मात्रा में शिक्षण, शिक्षण माने कभी भी आप कहते कठिन शब्द है। कठिन शब्द का मतलब क्या है, जो शब्द आपने आज के पहले कभी नहीं सुना है, आपका जो दिमकिया है ये पहली बार शब्द को सुना है, उसी को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं बताइए, उसे कहा जाता है कि आपने शब्द को कभी नहीं सुना है, कभी नहीं पढ़ा है, वह कठिन शब्द हो गया। तो शब्द भंडार वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण है, माने कहानी पढ़िए, साहित्य पढ़िए, उपन्यास पढ़िए या गद्य सीरीज को पढ़िए, आपके अपने आप उसमें भाषा मिलेंगे, शब्द मिलेगा और शब्द से शब्द भंडार बढ़ेगा, आपकी डिक्शनरी बढ़ेगी। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग उच्चारण सुधार हेतु किया जाता है। इसका जो प्रयोगशाला है भाषा का, उसके लिए उच्चारण, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे बोलेंगे उतना शुद्ध उच्चारण होगा आपका। प्राथमिक कक्षाओं में रचना शिक्षण की खेल विधि का विकास किसने किया था, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने किया था। रट लीजिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, प्राथमिक कक्षा में रचना शिक्षण की खेल विधि का विकास हेनरी कॉल्डवेल कुक ने किया था। ये सिलेक्शन वाले टॉपिक हैं, क्या आपको पता था इसके पहले? प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचना शिक्षण की प्रमुख विधि है उद्बोधन विधि, ये रट लीजिए। नाट्य पद्धति, व्याख्या पद्धति, अभिनय पद्धति आदि नाटक शिक्षण के लिए प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। द्रुत पाठ के लिए उपन्यास, जीवनी तथा कहानी शिक्षण का उपयोग माना जाता है। अब आगे बात करते हैं, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, ये क्या होता है? इस उद्देश्य का मतलब है कि बच्चों में उपयुक्त दृष्टिकोण एवं अभिव्यक्ति का विकास किया जाए, मतलब बच्चों को भाषा के प्रति रुचि, साहित्य में रुचि, इनका विकास किया जाए, तभी तो बच्चा भाषा शिक्षण में उपयुक्त हो पाएगा, अपनी बात आप तक रख पाएगा, आप अपनी बात मुझ तक रख पाएंगे। कब? जब आपकी रुचि इसमें बढ़ेगी। समझ में आया आप लोगों की नहीं? अभी अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे कह रहा है कि सवृत्तियों का विकास करने का अर्थ है कि छात्रों में आस्था, किसी लड़की का नाम नहीं है, अपने भाषा के प्रति आस्था, श्रद्धा, साहित्य प्रेम,
देश प्रेम, मानव प्रेम, सहृदय संवेदनशील का विकास। मतलब मैंने एक लाइन में आपको समझा दिया, किसका मतलब यह है अपनी भाषा के प्रति रुचि हो, चाहे आस्था, श्रद्धा, साहित्य प्रेम, देश प्रेम, मानव प्रेम, अंदर से इधर से। कुछ लोग लिखते हैं ना गाना, शायरी, कविता, बेवफाई वाला सॉन्ग, बेवफाई वाले शायरी, दोस्ती वाले, मोटिवेशन वाले, तो ये सब आपके रुचि को दर्शाता है। संवेदनशीलता का विकास करना, संवेदनशीलता का विकास करना। तो यहां पर आपको समझ में आ रही, तो इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, इस सभी के लिए अब हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, गद्य शिक्षण। आइए गद्य शिक्षण में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे लिए, आपके लिए। गद्य शब्द संस्कृत भाषा की गद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट कहना, और आपकी परीक्षा में 9 अंक के आते हैं। अगर अंग्रेजी है तो प्रोज, हिंदी में गद्य, संस्कृत में गद्य, ये 9 अंक के आते हैं। और इसके लिए केवल प्रैक्टिस करना है, और ई लर्निंग विद दुर्गेश इसके ऐप पर जाएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। अब वहां पे गद्य भी है, पद्य भी है, वो सभी चीजें हैं जहां से आपकी परीक्षा में आपको सिलेक्शन मिलना है। आइए देखते हैं, गद्य शब्द संस्कृत भाषा की गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है अस्पष्ट कहना। साहित्य दर्पण के अनुसार वृत्त बंधहीन रचना ही गद्य है। वो किसी की जीवनी का हिस्सा हो सकता है, किसी कहानी का हिस्सा हो सकता है, किसी यात्रा वृत्तांत का हिस्सा हो सकता है, किसी की बायोग्राफी का हिस्सा हो सकता है। तो ये वृत्त बंधहीन रचना जो होती है वो गद्य कहलाती है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस देश का निर्माता हूं। अब आगे हम देखते हैं कि गद्य शिक्षण विधि क्या है। क्या आपको भी पता है गद्य शिक्षण विधि क्या है, बताइए। देखिए, हां सीटेट के ऑनलाइन टेस्ट, केबीएस के ऑनलाइन टेस्ट, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है। ऑनलाइन टेस्ट आप जाके दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, और आप ऑनलाइन टेस्ट भी ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रस्तावना, गद्य शिक्षण को प्रारंभ करने का प्रथम सोपान प्रस्तावना होता है। क्या होता है, प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना को वार्तालाप से प्रारंभ किया जा सकता है, जो प्रस्तावना को वार्तालाप से प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे कोई प्रस्तावना कैसे, हम आपके वार्तालाप से ही ना, आप इसे कह दिया सीटेट का प्रैक्टिस उपलब्ध है ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन है, कहां है, इलनी बिन दुर्गेश के ऐप पर है। तो ये कैसे पता चला आपको, आपने बात किया, आपने वार्तालाप किया, आपने पूछा। अच्छा जूनियर भी है, हाँ जूनियर भी है, एसएसटी भी है, एसएसटी भी है, साइंस मैथ भी है, साइंस मैथ भी है, केबीएस है वो भी है, सुपर टेट का भी है वो भी है, तो ऑफलाइन भी है, अगर मुझे बुकलेट डाउनलोड करना होगा, हाँ बुकलेट भी है। तो ये कहां से पता चला, आपने वार्तालाप किया। तो प्रस्तावना का जो प्रारंभ होता है वो भी वार्तालाप से किया जाता है। कोई कहानी संक्षेप में सुनाई जा सकती है, पाठ के उद्देश्य से छात्रों को परिचित कराया जा सकता है। जैसे हमने बताया ऑनलाइन टेस्ट, अब आप जाके टेस्ट देखिए, अरे हाँ ये तो पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर है, इतना बढ़िया, अभी तो कहीं नहीं है, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर है। तो ये पूरी जो रचना थी वो एक लाइन में समाहित हो गई आपकी। क्लियर हो सकता, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वाचन। ये वाचन में क्या है, ध्यान से देखते हैं। प्रस्तावना व उद्देश्य कथन के पश्चात अध्यापक द्वारा उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण सहित जो विस्मित विराम, मतलब जो विराम चिन्ह होते हैं उनका ध्यान रखते हुए प्रभावपूर्ण ढंग से आदर्श वाचन किया जाता है। ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। काठिन्य निवारण, वाचन के बाद गद्य भाग के कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण आवश्यक होता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। काठिन्य निवारण के माने वाचन के बाद गद्य भाग के कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण आवश्यक होता है। इसके लिए निम्नलिखित जो प्राविधियां हैं उसका प्रयोग की जा सकती है।
ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। जैसे चित्र दिखाना, जब चित्र दिखाते हैं तो बच्चे के अंदर भाषा कौशल का विकास होता है, उसके अंदर भाषाई ज्ञान का विकास होता है। जैसे कोई आपने देखा होगा चित्र में दो अंतर देखे तो बच्चा देखेगा, अच्छा इसमें भी हाथी, इसमें भी हाथी है, हाथी मोटा है, हाथी का सूंड एक में बड़ा है, एक में दांत छोटा है, आंख बड़ी है। तो चित्र भी अपने आप में भाषा का एक भाषा होती है, छोटा बड़ा मोटा पतला ऊंचा नीचा खाला, तो ये चित्र भी क्या होती है, भाषा व्यक्ति का साधन है। दूसरा प्रतिमूर्ति दिखाकर, मानचित्र के द्वारा, प्रत्यक्ष पदार्थ, जैसे मैंने कहा पेन, ये रहा पेन, ये क्या है आपका पेन, दिखाकर पेन, अच्छा यही पेन है। जैसे मैं आपसे कहूंगा पेंसिल, आपके दिमाग में आ जाएगा ओ पेंसिल, आपके दिमाग में चित्र बना। संकेत द्वारा, जैसे मुझे आपसे पेन मांगना है, मैंने पेन मांगा तो इस संकेत के द्वारा मैंने कहा, मतलब समझ में आया आपको, मतलब लिख रहे हैं आप तो ये संकेत के माध्यम से हुआ ना, आप तक पहुंचा ना, समझ गए आपने, शेयर किया आपने, लाइक किया आपने, तो ये सांकेतिक भाषा हो गई। ठीक, आगे बात करते हैं अभिनय के द्वारा। नाटक में आपने देखा होगा, कविता में भी देखा होगा, अभिनय के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। जैसे अगर 3 घंटे आपको किताब पढ़ने के लिए कहा जाए और 3 घंटे आपको क्योंकि पिक्चर दिखा दी जाए, किसकी स्टोरी आप अच्छे से बता पाएंगे, बताइए पिक्चर की, क्यों, अभिनय आपके दिमाग में जो चित्र होता है वो छप जाता है। विलोम कथन के द्वारा, जैसे होता है अरे जल्दी चाय पी लीजिए नहीं तो गर्म हो जाएगा, लोग हंसते हैं कि चाय तो रखने के बाद ठंडी ना होगी, लोग कहते गर्म आ जाए, तो विलोम कथन के द्वारा भी सिखाया जाता है कभी कभी। समझ आया आपको? आगे संधि विच्छेद के द्वारा, समाज विग्रह के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, तो ये सारी चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंत के अंत सभी क्लास के लिए आप टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और सभी प्रैक्टिस वगैरह सबको उपलब्ध है। ठीक, आगे चलते हैं। एक सवाल आया है, क्या संकेत के माध्यम से मोबाइल नंबर भी दिया जा सकता है? जी हाँ, अगर आपने स्काउट गाइड की ट्रेनिंग ली होगी, स्काउट गाइड क्या होगा तो आपको बताया गया होगा कि दूर खड़ा व्यक्ति को आप संकेत के द्वारा कोई अंक उसे बता सकते हैं, कोई अंक समझा सकते हैं, कोई संदेश दे सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। विश्लेषण, ये विश्लेषण क्या है? विश्लेषण कार्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया जाता है। पुनः अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन, छात्रों द्वारा सस्वर वाचन किया जाना चाहिए। ठीक, सस्वर माने स्वर के साथ। ठीक, और आगे चलते हैं। काव्य शिक्षा, काव्य जो है आत्माभिव्यक्ति होती है जो कि हृदय की वस्तु, जैसे आपने देखा होगा कविता इसे कह सकते हैं, मतलब कविता आत्मा की संकलना अनुभूति है, छंदोबद्ध तथा नियमित गति में होने के कारण ताल और लय पर चलती है, इस पर ताल और लय पर चलती है। कविता शिक्षण विधि ये पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन सी शिक्षण विधि, कविता की शिक्षण विधि। गीत तथा अभिनय प्रणाली, इसके बारे में जिक्र किया था आज, यह प्रणाली आरंभिक कक्षाओं में बाल गीतों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए? बाल गीतों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अभिनय प्रधान पदों में बालक उचित ढंग संचालन के द्वारा भाव व्यक्त करना सीख जाता है। अर्थबोधन प्रणाली, इस प्रणाली में शिक्षक क्यों स्वकविता का अर्थ बताता है, स्वयं कविता का अर्थ बताता है। सबको समझ में आ रहा है? जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आज संख्या काफी कम है जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके बाद अगली मैराथन क्लास होगी जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
अगला है व्याख्या विधि। अगला क्या है? व्याख्या विधि। माने इस प्रणाली में अध्यापक एक पद लेकर उसका अर्थ करता है। कवि का दार्शनिक मत, प्रवृत्ति, रचना शैली, परिस्थिति, कविता की भाषा, अलंकार, हाव भाव, रस, व्याख्या करके पद का अस्पष्ट करता है। इसका प्रयोग प्रायः कहां होता है? माध्यमिक उच्च कक्षाओं में होता है। कहां? माध्यमिक कक्षा में होता है, उच्च कक्षा में होता है। कौन? व्याख्या विधि। ठीक। खंडानव्य प्रणाली, इसका प्रश्नोत्तर प्रणाली कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग केवल वर्णनात्मक ऐतिहासिक पदों को पढ़ाने में किया जाता है। व्यास प्रणाली, यह उच्च श्रेणी की भाव प्रधान कविता को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भावात्मक कविताओं में इस प्रणाली का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। देखिए, सब परीक्षा में पूछे जाते हैं लाइन टू लाइन, और आपको लाइन टू लाइन आपको बताते रहना है। तुलनात्मक प्रणाली, इस प्रणाली में समभाषा कवि भिन्न भाषा कवि की तुलना हाव भाव तुलना द्वारा साम्य और असाम्य दोनों का विवेचन किया जाता है। इससे विद्यार्थियों में विवेचन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक। सबका क्लियर हुआ? किसी के मन में कोई दिक्कत? अगला है समीक्षा प्रणाली। इस प्रणाली में अध्यापक प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर अन्य सहायक पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थियों को कवि की रचना कविता की समीक्षा करने को कहता है। यह प्रणाली उच्च कक्षा में उपयोगी होती है। कहानी शिक्षण, हिंदी साहित्य का सबसे अधिक मनोरंजन अंग अगर कोई है तो वो कहानी है। कौन सा होगा? कहानी है, कविता भी है। कहानी का उद्देश्य बोलने की आदत डालना। बोलने की आदत डालना, जैसे होता है कोई कविता सुनाते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, उसी में से हम सवाल पूछते हैं। ठीक है, आदत डालना तथा विचारों की क्रमबद्ध शक्ति बढ़ाना। कहानी पाठ के संभाव्य पाठ रूप, मौखिक कहानी, रचना पाठ, गहन अध्ययनिष्ठ पाठ, संवादात्मक पाठ। तो ये कहानी के जो पाठ संभाव्य पाठ रूप है, कवि के परीक्षा में पूछता है कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहानी का अंग यहां से है। तो आप सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस नंबर पर आप सब व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराजे इनसे चलती हैं, जहां पे मैं भी आज गेस्ट के रूप में आपको ये क्लासेस दे रहा हूं। आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा दुर्गेश सर सर्च करके। जहां पे सभी क्लासेस आपको फ्री मिल जाएंगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, ऑनलाइन अगर आपको टेस्ट देना है, जैसे परीक्षा में आपके सीटेट को होगा, तो ई लर्निंग भी दुर्गेश के ऐप पर है। मॉडल टेस्ट पेपर केवीएस का है, डीएसएसबी के है, सीटेट के हैं, जो आपके लिए जरूरत है जा कर सकते हैं। जो अभी एक दो ओपन नहीं हो रहे हैं, कुछ घंटे बाद वो भी ओपन होना शुरू हो जाएंगे। इस सीरीज को कल आगे पढ़ेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ही मेरे लोग को आगे पढ़ना है। अगली क्लास आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जुड़िएगा, पढ़िएगा। तो कल से कितने लोग इस वीडियो सेशन में लाइव रहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बढ़ेंगे। एक सवाल आ रहा है, इन्हीं के साथ क्वेश्चन कराते चलिए। जी नहीं, ये तीन दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग प्रश्नोत्तर ही पढ़ेंगे। ये तीन दिन में इसकी सीरीज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को ना? एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा।
ऐप डाउनलोड करिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश का, जहां पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश से सीटेट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग को यही पढ़ना जो आज आपके सामने दिखा है, तो स्क्रीनशॉट अपने पास रखे रहिएगा, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध हो जाएगी। अपने सभी साथी मित्रों को बताइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। चलते हैं, कल की क्लास में कितने लोग लाइव रहेंगे, सभी लोग? चलिए, थैंक यू आप सभी का। इसके अगली क्लास के लिंक टेलीग्राम पर आपको मिलेगी कुछ देर के बाद।